पापा थोड़े दिन यहाँ रह जाए तो मैं फेमस हो जाऊँ मुझे लग रहा है। नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। आज संडे वाला दिन है और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। यूजुअली मैं और प्रशांत बहुत आलसी लोग हैं, कुछ करते ही नहीं है, लेकिन आज हमने काफी ज्यादा खाना वाना बना लिया है। हेलो मम्मी। हाय। हाय प्रशांत। हेलो। हाय पापा। नमस्ते। और आज सीन ऐसा है कि हम लोग अभी सुबह उठे हैं, रेडी हैं, गपशप चल रही है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स अबाउट यूएस। पापा बड़े इंक्विजिटिव है। पापा क्या क्या पता कर लिया आपने? स्कूल वूल सब पता कर रहे हो आप? स्कूलिंग का पता कर लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का पता करा। काफी। तो क्या आप हमारे ब्लॉग नहीं देख रहे हो जो आपको सब नहीं पता? नहीं देख तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी है कि भाई और जाना है यहाँ के। अभी हाँ इन डेप्थ नॉलेज मिल रही है पापा को यहाँ से। और अभी बस हम लोग ये सब खा रहे हैं, फ्रूट्स और सैंडविचेस, और फिर हम सेंट्रल पार्क जाएंगे। तो आज हम अपने दिन में जो भी करेंगे ना आपको सब दिखेगा। एंड आई एम होपिंग ये जो कॉन्वर्सेशन है हम सब के साथ आपको अच्छा लगे देख के। लेट्स रोल। फ्रूट्स खा रहे हैं और यहाँ के जो फ्रूट्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो मैं पापा को खिला रही हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें। और मेरे पापा सफल में थे तो पापा को फ्रूट्स के बारे में काफी कुछ पता है। तो पापा आपको यहाँ के फ्रूट थोड़े डिफरेंट लगे क्या? हाँ ये तो डिफरेंट है, नाम तो इसका रसबरी है, ये रसबरी डिफरेंट होती है। तो कल मैं और पापा कॉस्को गए थे, पापा इज लाइक ये तो स्ट्रॉबेरी है, बाहर से ऐसे दिख रही थी। पापा ने स्ट्रॉबेरी नहीं है रसबेरी है, सो इट्स अ डिफरेंट फ्रूट। तो कैसा लगा आपको खाने में? टेस्टी। टेस्टी मस्त बहुत। और ये ब्लूबेरी? ब्लूबेरी भी टेस्टी है। हाँ यहाँ बच्चे और कुत्ते ब्लूबेरी खाते हैं। अच्छा लगा खट्टा मीठा? कुत्ते नहीं खाते हैं? कुत्ते कुत्ते खाते हैं। हाँ खाते हैं कुत्ते। अच्छा। मम्मी आपको कैसे लगे? बहुत टेस्टी लगा। मम्मी कह रही यहाँ के फ्रूट्स अच्छे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। हाँ नहीं अच्छे हैं। ये ब्लूबेरी का नाम सुना था। हाँ आज खा भी लिया। खाने तक खा भी लिया, बहुत टेस्टी है। और रसबेरी? रसबेरी लगती स्ट्रॉबेरी है लेकिन टेस्ट अच्छा होता है, टेस्ट बहुत खट्टा मीठा एकदम से और जूसी है। तो अभी खाना पीना बनना शुरू हो गया है क्योंकि मम्मी आई है, तो फाइनली हमारे घर में प्रॉपर खाना बन रहा है। एक चीज बन चुकी है वो है मटर मशरूम, एक्सट्रीमली टेस्टी यमी यमी खाना। और एक और चीज हम बनाने वाले हैं वो है पहाड़ी रायता। तो मम्मी आई है तो मैंने सोचा मम्मी का पूरा एकदम यूज करा जाए। किक होती है उसमें किक, और किक के लिए हमने ये क्या है मम्मी, क्या राई? राई पीसी है। राई पीसी है। तो मम्मी बोल रही है मेरे पास ये सब सामान भी है। मम्मी को लगता था मेरे पास कुछ सामान नहीं है, बट यहाँ मम्मी को लग रहा है कि ओह आई हैव ऑल द थिंग्स। तो ये पीस लिया है, ये दही है, जम न पाती नहीं इसलिए बाजार की जो मिल रहा है मम्मी उसमें ही ओके है। और ये ऐसा खीरा है। तो हम पहाड़ी रायता बनाएंगे। जब हम छोटे थे ना तो पहाड़ी रायता बनता था, और पहाड़ी रायता में खीरा होता है, हल्दी होती है और दही होती है, और वो राई पीसी भी होती है, और बहुत टेस्टी होता है। तो जब उसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो हम आपको दिखाते हैं। देयर इज नथिंग बेटर देन होम कुक्ड मील विद द फैमिली मेंबर्स। तो ये हमारा फाइनल रायता है बाय द वे, ऐसा इसमें छौका सा लगा हुआ है, सो इट्स वेरी वेरी टेस्टी। प्रशांत एनी रिएक्शन ऑफ द रायता? मस्त मस्त। और हम लोग ट्रेन स्टेशन में पहुँच गए, और सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग आज सेंट्रल पार्क जा रहे हैं। तो मतलब हम रोज़ नहीं घूम रहे हैं, हम कभी कभी घूम रहे हैं, और जब जब घूम रहे हैं मैं आपको भी साथ में घुमा रही हूँ। और पापा मम्मी पहली बार सेंट्रल पार्क जा रहे हैं, कल हो ना हो टाइप मूवी शूट हुई थी यार। और ब्रुकलिन के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ गई है कि इनको ये भी पसंद आएगा। तो अभी हम ट्रेन स्टेशन में, सी यू इन सेंट्रल पार्क। अभी आप बाय। हम लोगों ने कल इंग्लिश में इंग्लिश देखी थी और उसमें बात कराया था श्रीदेवी। तो पता है अभी क्या हो रहा है ना कि हम लोग पापा मम्मी को ऐसी मूवीज दिखा रहे हैं जिसमें न्यूयॉर्क है, ठीक है। और अब जब हम उस जगह पे वापस ऐसे अभी हम पार्क के अंदर हैं, तो मैं बता रही हूँ देखो वो ऐसा था वो वैसा था, तो काफ़ी सही लग रहा है, मज़े आ रहे हैं। एंड प्रशांत इज ऑल्सो हियर गाइडिंग अस ऑल थ्रू। ये सेंट्रल पार्क के साथ साथ एक फॉल ट्रिप भी हो गया। यहाँ पे कलर्स बहुत सारे हैं, कैसा लग रहा है? आपने देखा है इंडिया में? नहीं, ये नहीं देखा है। यार हाँ, तो मतलब मम्मी को ना यहाँ हर बिल्डिंग कुतुब मीनार लग रही है, काफी लंबी लंबी बिल्डिंग है यहाँ पीछे, और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, तो मतलब 100 फ्लोर पे भी लोग रहते हैं यहाँ पे, और बग्गी वग्गी भी चल रही है यहाँ पे। ऐसा आपको फोटो खिंचानी है बग्गी के साथ? $15-20 होगा, $15-20 for 5 minutes, that is like really expensive। अभी हम तो भाई पैदल ही जाने वाले हैं,
और मेरी आवाज़ की भी मुझे लग रहा है थोड़ी सी बैंड बज गई, मतलब आजकल ना मैं दुनिया में जितनी भी मुझे बातें करनी होती है मैं कर ही रही हूँ, थोड़ा सा आवाज़ मेरा बजा हुआ है। अभी हम पार्क में थोड़ा सा और आगे घूमते हैं। Until you came knocking at my door, it's hard to be. Also, you should follow us on Instagram. यहाँ पे हम लोग ने ना मम्मी टेक तीन लिए हमने। मम्मी ये क्या कर रहे हैं? हम लग रहा है कि क्या सफाई, है? सफाई कर्मचारी हम लोग ना बार बार इसको उठा के ऊपर से नीचे हम कर रहे थे। स्लोमो में रील बनाई हमने इंस्टाग्राम पे, देखना भूला मत। और अभी हमारे जैसी चीजें सब लोग कर रहे हैं, मतलब वी आर नॉट अनयूजुअल। और अभी भी थोड़ा सा और आगे जाएंगे, वीकेंड पे और मजे आ रहे हैं। यहाँ तो रितु ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान आज ही शूटिंग कर रहा है, अलोना होगी। फ्रॉम वन लोग है, फ्रॉम वन मेला टू अनदर मेला, टू मेनी पीपल, माय गॉड। हैं कोई शूटिंग शूटिंग चल रही है, आवाज भी ढूम ढूम ये चलता रहता है। शूटिंग चल रही हो वैसे, यहाँ होती रहती शूटिंग। हाय, हेलो गैलरी, हेलो गैलरी, हेलो। प्रशांत के पास कुछ नहीं है, प्रशांत को हाथ काट देगी वो। प्रशांत नो बाबा, डोंट डू दैट, आई एम जस्ट स्केयर्ड। नो, इट्स हार्ड टू बी, इट्स हार्ड टू बी दिस रियल, वी कैन प्ले आवर फेवरेट सॉन्ग। और इंडिया का कैसा लग रहा है? मम्मी कह रही इंडिया के हिल स्टेशन जैसा लग रहा है। इंडिया का कैसा लग रहा है? इंडिया का कैसा लग रहा है आपको? सही है, सही है। और वो ये भी यहाँ पे एक वो दिखा इन्हें, एक बग्गिया होती है यहाँ पे, तो एक बग्गी लेडी चला रही थी तो उससे भी सरप्राइज हो रही थी, क्योंकि इंडिया में तो ये सब यूजुअली आदमी लोग चलाते हैं। और अभी फाउंटेन में पानी नहीं है क्योंकि ठंडा है, बट हम फोटोज वोटोज खींच रहे हैं। अब मम्मी मेमोरीज बन रही है ना आपकी। देखा मैंने एक बार देखा तो मेरा प्रशांत का तो पांच बार छठा बार है यहाँ पे। हम ऐसे हम ऐसे टूरिस्ट गाइड बने हुए हैं और ये सब बगी बगी भी है, सारे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। और रिक्शे भी थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, ठंड है इसलिए कंबल ओढ़ा रखे हैं। उसी चीज के पैसे हैं मम्मी, बहुत ही रोकड़ा लेते हैं ये लोग ये सब करने का। और कुछ लोग तो बाबा सिर्फ ये क्या करते हैं, इस फाउंटेन के आसपास ना एक गोल चक्कर लगाते हैं, उसके भी $10-15 है। हाँ, तो बग्गी पे ऐसा घूमने का नहीं, बग्गी पे बैठ के फोटो खिंचाने का। तो जैसे अभी ये लेके जा रहे हैं इनको, कंफर्टेबल है ये, इलेक्ट्रिक पैडल वाले, बट उसमें इलेक्ट्रिक भी होता है किसी किसी में। तो वहाँ पे ना लोग फोटो शूट भी कराते हैं, तो सामने आपको एक इंडियन कपल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अभी कुछ इनकी लाइफ में इवेंट हुआ होगा और अभी इनका फोटो शूट हो रहा है, और वो ब्रिज उधर है, सो अभी हमको उधर जाना है। बट लुक एट द कलर्स मैन, खूबसूरत लग रहा है। कल होना हूँ मैं, जो प्रीति जिंटा है वो यहीं पे रोती थी एकदम शाहरुख खान के ऐसे करके, तो वही जगह पे आप वॉक कर रहे हो आज, तो कैसा लग रहा है आपको? मम्मी एक वो हीरोइन, एक आप हीरोइन और एक मैं हीरोइन, तो वही चल रहा है। और हम फायदे में, मैं और पापा ने रील बनाई। पापा कैसा लग रहा है आपको थोड़ी रील वाली एक्टिंग करने में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पापा थोड़े दिन यहाँ रह जाए तो मैं फेमस हो जाऊँ मुझे लग रहा है। हाँ, ये देखो पापा, ये बो ब्रिज है और काफी खूबसूरत लग रहा है, मस्त है ना, इसका रिफ्लेक्शन नीचे पूरा आता है। हाँ, और फोटोज कैसी आती है घर जाके पता लगेगा, है बहुत अच्छा। और मम्मी कलर्स सुंदर है ना। मेला लग रहा है यार यहाँ पे, आज हद ज्यादा भीड़ हो रही है, हर कोई ऐसे एक ही फोटो 50 लोग फोटो खिंचा रहे हैं, तो लाइन लगी होती है बताई दवा यहाँ पे। और दिस इज अगेन है ना, दिस इज पिछली बार भी हमने फॉल में दो साल पहले आए थे, बट इस साल ज्यादा अच्छा लग रहा है फॉल में सब। और ये बो ब्रिज का एंट्रेंस है तो ये भी काफी खूबसूरत है, और यहाँ से ऐसा व्यू आता है। चलो, तो अभी हम लोग एक और जगह आ गए हैं, फ्रॉम वन मेला टू अनदर।
रोशन टू मेनी पीपल। हाँ यार ऐसा ऐसा लग रहा है हमें इन्हें दिखाने लाए थे कि यहाँ शाहरुख खान ने शूटिंग करी थी, अब यहाँ देख के ऐसा लग रहा है आज ही शूटिंग हो रही है शाहरुख खान। यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं पीछे देखो। और दिस इज द बेथेस्डा फाउंटेन और पापा मम्मी ना यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं, लाइव म्यूजिक चल रहा है, लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ना उन्हें भी अच्छा लग रहा है, उन्हें देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स होते हैं बहुत सारे टाइप के, तो हम उन्हें भी उन सब कुछ दिखा रहे हैं। एंड अगेन पापा मम्मी बेचारे उसको देख रहे हैं कि भाई साहब कर क्या रहा है, बट वो अपना लाइवलीहुड कमा रहा है। पापा हाउ कूल इज इट? बहुत अच्छा। अच्छा क्राउड बहुत अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा, ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और इससे मतलब वही जो उसने वो डब्बा रखा उसमें टिप्स मतलब पैसे के लिए। अच्छा ऐसा होता है, आपको पसंद आए तो आप उसमें पैसे ले लो। और साथ में उसने वो भी लिख रखा है, जैसे हमारे UPI होता है ना, जैसे वो वेनमो होता है, यहाँ पे वेनमो ID डाल रखा है उसने, जैसे जैसे पेटीएम कर दो उसको अगर आपके पास कैश नहीं है तो। ऐसे शाहरुख खान का पोज कैसा होता है? मम्मी बताओ। पापा आपकी बारी। फॉल चला गया है, हम सबको लग रहा था फॉल चला गया है। और मम्मी कहीं तुम हमेशा वॉर्म आउट भी चले जाते हो फॉल में, बट फॉल देखने लायक तो होता है ना। तो मम्मी वर्मोंट में ना जैसे ये पेड़ जो आपको पीछे दिख रहा है ये वाले, ये पूरा जंगल होता है इन सारे पेड़ों का। अच्छा। वो बहुत सही लगता है। तो हमें और कोई मिला रास्ते में? हाय हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज तबस्सुम, आई एम मानसी। और ये मेरे फॉलोअर्स हैं और ये इंडिया से आए हैं और ये मेरे वीडियोस देखते हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर योर व्लॉग्स, इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स एंड ऑल्सो द फन व्लॉग्स, बहुत हेल्प किया यहाँ आने के लिए। रियली? यस, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। और जब मुझे कोई मिलता है ना मेरा दिन बन जाता है, सो फॉर द एंटायर डे अब जितना भी बच्चा है आई एम लाइक ये, सो थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग काइंड एंड या थैंक यू। मेरा नाम लाला है बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो मेरा नाम बचपन में लाला था, तो मम्मी बोलती थी मम्मी का लालू, मम्मी का कालू, मेरे लाले तेरे बड़े फैन थे। दो चार लोग हमें मिले, बड़ी खुशी होती है देख के बच्चों की प्रोग्रेस देख के। तो अभी लोग हमें मिले, मेरे साथ फोटो वोटो खिंचाई, तो मम्मी लाइक ये ऊपर अंदर से हाय मेरे लाले। अभी 6:30 बज रहे हैं, इन लोगों का जेट लैग जा ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया है। और अभी हम लोग पिज्जा बनाया मैंने, दिस इज पनीर एंड ऑल द सब्जीज, दिस इज अ डिफरेंट मशरूम एंड ब्रोकली। मम्मी वो यम्मी दिख रहा है, यम्मी दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे डोमिनो का पिज्जा है सेम वैसी लग रहा है, कैसा लगता है खाने में। आज तक तो पिक्चर में ही देखा मैंने ऋतु को, मैं बहुत शो ऑफ हूँ ना, मैं पता क्या करती थी ना, थोड़ी सी चीज बनाती थी और फिर फोटो खींच के बोलती थी मम्मी देखो कैसा बना है, तो ओके खा लो। हाँ इसमें तो निकल रहा है, हाँ चीज निकल रही है, ओहो बहुत ही बढ़िया। और पेट तो नहीं है ये सबको, कहीं मैं आपको एक आध चीजों की बुराई भी करते ना तो फिर लोगों को लगेगा कि ओरिजिनल है। नहीं अच्छा बनाया है, मुझे ये डोमिनोज को जो है माफ कर रखा है। वी आर बैक होम एंड मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, ऐसे आपको मेरी शक्ल से दिख रहा होगा, बट देर आर थिंग्स दैट वी डिड एज अ फैमिली दैट आई ऑलवेज विश्ड फॉर एंड बहुत अच्छा रहा यार, बहुत सारी नई चीज़ें देखी पापा मम्मी ने, मैंने उनके साथ घूमा एंड हमेशा सेंट्रल पार्क अच्छा ही है, मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट उनके साथ जब मैं घूम रही थी उन्हें चीज़ें बता रही थी वो बहुत सही था। ऑल दिस वाइल हमेशा ना पापा मम्मी मुझे घुमाते थे, ठीक है, एंड नाउ आई थिंक इट इज़ द टाइम फॉर पे बैक। पे बैक इज़ अ स्मॉल वर्ड यार, मतलब मैं कितना भी कर लूँ वो वापस नहीं हो सकता जो उन्होंने मेरे लिए किया है। सो जो भी मैं कर रही थी इट वॉज़ माई ड्रीम्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भेजो। थैंक यू फॉर बींग विद मी, थैंक यू फॉर लविंग मी दिस मच, टेक केयर, बाय।